एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था हमारा पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज द वर्ल्ड वॉर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो ये हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने उसका फर्स्ट पार्ट हमारे वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि कितने सारे युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुए, जिसमें कुछ कंट्रीज शामिल हुए थे, कुछ कंट्रीज शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण भी उन्हें उसका मतलब हानि हुआ था। मतलब दो कंट्रीज अगर लड़ रहे हैं तो अगर किस बीच में कोई एक कंट्रीज आता है जो कि उसमें सहभागी यानी उसमें मिलता भी नहीं, फिर भी उससे हानि होती है, क्योंकि इतना उनके अंदर गुस्सा था कि उन्होंने पूरे अपने आसपास को पूरा तहस नहस करके रख दिया था। और दो वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आए थे जिनका काम था कि वर्ल्ड वॉर को रोके, पर वो कामयाब नहीं हो पाए उस वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड को नहीं रोक सकता। इसलिए उस समय बहुत सारे युद्ध हुए और बहुत सारे हमने उसके बारे में चर्चा भी किए थे। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन टू प्लेस इन 1970 एंड इन रशिया एंड द सोवियत यूनियन केम इन टू बींग इन अ शॉर्ट वाइल द सोवियत यूनियन केम अप एज अ सुपर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट देयर वेर एक्सट्रीम डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। यानी कि जो रशिया था और जो सोवियत यूनियन था, मतलब उस और जो अमेरिका, इन सारी जगहों पर एक कॉमन सा रिवोल्यूशन हुआ इन अ शॉर्ट वर्ल्ड। अगर छोटे में कहा जाए, मतलब स्मॉल में कहा जाए, और सोवियत यूनियन केम एज अ सुपर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उस समय जो सोवियत यूनियन थी, वो उस समय जो हमारे इंटरनेशनल पावर, मतलब सुपर पावर बन चुकी थी हमारे वर्ल्ड में। पहले अमेरिका थी, उसको पछाड़ते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए जो सोवियत यूनियन, ये आगे आई, क्योंकि इनके पास हथियारों की वृद्धि हुई थी, इनके पास बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए ये सुपर पावर बन गए। बट देयर वर एक्सट्रीम डिफरेंसेस, पर फिर भी अमेरिका की तुलना में जो रशिया और सोवियत यूनियन है, ये बहुत ही कम थे। अमेरिका को में तुलना करें तो जो सोवियत यूनियन फिर भी बहुत कम थे बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम किया करते थे, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, यूएसए इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। जो यूएसए है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब वो डेमोक्रेटिक स्टेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि इतने डेवलपमेंट क्यों हुए, क्योंकि वहाँ पर जो इंसान है वो अपने सरकार का साथ देते हैं, सरकार के साथ कॉपरेट करते हैं, सरकार भी उनके साथ कॉपरेट करती है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। और इसके वजह से आज यूएसए जो है इतना डेवलप्ड नेशन बन पाया है। यूएसए ऐसा मतलब कोई बड़ा नाम नहीं है, इंडिया भी एक बड़ा नाम बन सकता है अगर उनके अंदर कॉपरेशन हो, उन्हें वो अपने सरकार जनता से कॉपरेट करे। एडवोकेटिंग कैपिटलिज्म, जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करती थी, वाइल द सोवियत यूनियन एडवोकेटेड सोशलिज्म एंड अ वन पार्टी ऑथोरिटेरियन सिस्टम। यानी कि जो दो सिस्टम थे, जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता था, और जो सोवियत यूनियन था वो किसको फॉलो किया करता था, मतलब वो सोशलिज्म को फॉलो किया करता था। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में आप सुन लोगे इसमें डिफरेंसेस क्या है, आपको लग रहा होगा। अब जो कैपिटलिज्म है उसमें ये होता है कि वो जो अगर यूएसए है वहाँ पर सबका प्राइवेट होता है, जैसे एक प्राइवेट, मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कैपिटलिज्म में प्राइवेट होता है और सोशलिज्म में मतलब सबके बीच रहता है, मतलब गवर्नमेंट का होता है। मतलब कैपिटलिज्म जो है, अगर समझ लो एक कंपनी है यूएसए में, वो उसका मतलब एक किसी एक इंसान का है, ना कि उस पर गवर्नमेंट रूल करती है, वो किसी प्राइवेट इंसान का है। वो अपना उस कंपनी पर अपना पूरा अब खुद का काम लगा रहा है, बहुत सारी मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो एक प्राइवेट इंसान को होगा, ना कि गवर्नमेंट को। और उसी तरह अगर हम सोशलिज्म की बात करें जो कि सोवियत यूनियन में फॉलो होता है, उसमें जो काम होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, अगर कोई एक फैक्ट्री है उसमें कुछ काम प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ गाड़ी चल रही है, वो सारी चीज़ें कहाँ के रहती हैं, वो गवर्नमेंट से उनके पास आती है, वो खाली गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं।
गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं, क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ना कि वो उनका कुछ प्राइवेट उनका कुछ भी नहीं रहता। इसलिए इन दोनों के बीच में टक्कर चलती थी। अब ये चाहते थे कैपिटलिज्म वाले, यूएसए वाले चाहते थे कि सब लोग कैपिटलिज्म में आ जाए, सारे कंट्रीज कैपिटलिज्म में आ जाएं, और सोशलिज्म वाले चाहते थे कि सब लोग सोशलिज्म में आ जाएं। पर मेरे हिसाब से जो कैपिटलिज्म है ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो इंसान है खुद कमा कर खा सकता है, ना कि वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। पर सोशलिज्म में हमको डिपेंड रहना पड़ता है सरकार के ऊपर। पर इंडिया जो है उसमें दोनों ही फॉलो होते हैं, मिक्स होता है इंडिया में दोनों ही। मतलब कुछ जो बहुत सारे अगर ट्रक्स हैं, बहुत सारे जो बसेस हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और जो गवर्नमेंट की भी होते हैं, तो दोनों फॉलो होते हैं इंडिया में। बोथ द सुपर पावर वांटेड टू एक्सपांड देयर ओन डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। अब दोनों पावर को लगता था कि मैं अपना जो मेरा कैपिटलिज्म, मेरा सोशलिज्म, इसको मतलब पूरे वर्ल्ड में एकदम पूरा फैला दूँ, एक्सपांड कर दूँ। अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म। अब अमेरिका को खुद का कैपिटलिज्म फैलाना था, क्योंकि उनके हिसाब से कैपिटलिज्म सही था। वाई द सोवियत यूनियन वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म। अब जो को कौन था, सोवियत यूनियन, अब उनको लगता था सोशलिज्म बहुत ही अच्छा है, वो उसको फैलाएंगे, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सब कुछ सही लगता था। इसलिए उन्हें लगता था कि मैं इसे फैलाऊंगा, मैं इसे फैलाऊंगा, क्योंकि ये दूसरों के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा उन्हें लगता था। बोथ कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू पुश स्मॉलर कंट्रीज इन टू देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर हेजेमोनी। अब दोनों को जो छोटे मोटे कंट्रीज हुआ करते थे, छोटे मोटे जो कंट्रीज, स्टेट्स, गांव, ऐसे सब जो हुआ करते थे, वो जो यूएसए और सोवियत यूनियन ये अपने अपने तरफ आने को उनको उकसाते थे, उनको लगता वो उनको कहते थे कि ये अच्छा है, वो उनको कहते थे ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो उनको कहते थे ये अच्छा है। मतलब दोनों ही कहते थे कि मेरा वाला अच्छा है, वो कहते मेरा वाला अच्छा है। इसके हिसाब से छोटे मोटे जो कंट्रीज रहते थे वो उतना डेवलप नहीं रहते थे, इसलिए उनको लगता वो एक दूसरे की तरह मतलब कुछ इधर कुछ उधर ऐसे चला जाया करते थे, क्योंकि उनके पास उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था। और अगर वो यूएसए के साथ हो गए तो एक डेवलप नेशन है, वो उनको भी डेवलप कर देगा अगर वो उनके साथ गए तो। एज अ रिजल्ट यूरोप वॉज आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड। और इसी तरह जो यूरोप था, यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, भले छोटा होता थोड़ा, पर उसमें पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और उसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय अमेरिका। अब जो वेस्टर्न के जो यूरोपियन कंट्रीज थे, अब यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज थे, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न के कंट्रीज थे वो अमेरिका की साइड चले गए, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय सोवियत यूनियन, और जो ईस्टर्न के लोग थे वो सोवियत यूनियन की तरफ चले गए। दिस सुपर पावर्स एस्पोज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द कंट्रीज इन देयर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स। और इसी तरह जो अपने अपने अगर उन्होंने अपने तरफ बुलाया उन्हें, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पर हेल्प के लिए, या फिर उसको मतलब सेफ करने, उस कंट्रीज को सेफ करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ मिलिट्री लाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, सुपर पावर्स हेल्प करेंगे, मतलब वो उनकी तरफ लाते थे, क्योंकि वो अगर उनके पास अगर कुछ है, छोटे मोटे कंट्रीज के पास अगर कुछ दिमाग है, उनका कुछ डेवलपमेंट है, तो वो सोवियत यूनियन को काम आ सकता था। और जो वेस्टर्न के साइड में जो छोटे मोटे कंट्रीज थे, अगर उनके पास कुछ हथियार है, कुछ दिमाग है, तो उसके मदद से यूएसए वालों को कुछ फ़ायदा हुआ करता था, उनको हेल्प मिला करती थी, इकोनॉमिक हेल्प उनको प्रोवाइड हुआ करती थी। आर्म्स रेस, अब देखते हैं आर्म्स रेस। आर्म्स रेस यानी हथियार, कुछ हथियार जिसके कारण अपने अपने कंट्रीज को डेवलप करके एक दूसरे से लड़ झगड़ के, पहले के लोगों का काम भी यही था कि एक दूसरे से लड़ना और उनके सारे संपत्ति को जीत के अपनी कंट्रीज में लाना। द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर्म ऑन अ लार्ज स्केल टू आउटस्मार्ट ईच अदर। अब जो दोनों सुपर पावर्स थे, कौन कौन से सुपर पावर, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, अब ये ज़्यादा आउटस्मार्ट हुआ करते थे, मतलब इन्हें अपने मतलब सोचा करते थे कि मेरा वाला कंट्री ज़्यादा कुछ हो जाए, कुछ ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट आ जाए, कुछ ज़्यादा हथियार, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए, दोनों कंट्रीज ऐसा सोचा करते थे। देयर स्टार्टेड अ राइवलरी टू मेक मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स एंड टू
क्वायर द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द सेम। और उन्हें लगता था कि जितने सारे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स आई, खतरनाक हथियार जो हुआ करते थे उस समय कुछ ठीक नहीं होते थे, फिर भी वो बनाते थे कि हम उस कंट्रीज पे वार कर वहाँ के सारे लोगों को अपने साइड ले लेंगे, सारे संपत्ति को अपने साइड ले लेंगे, ऐसा उनका मानना रहा करता था। इसलिए बहुत सारे वेपन्स अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया करते थे। बट पर सून बो द सुपर पावर्स रियलाइज दैट आर्म्स रेस में एन इन डेंजर इंटरनेशनल पीस। आर्म्स यानी मैंने आपको बताया कि हथियार, आर्म्स यानी हथियार। अब कुछ देर बाद जब बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव हुए, बहुत सारे उनका कुछ प्रयोग किया गया एक दूसरे कंट्रीज पर, तो उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि इतने जो खतरनाक वेपन्स को एक दूसरे कंट्रीज पर चलाना अच्छी बात नहीं है, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि बहुत ही इन डेंजर हो जाएगा, मतलब जो उनकी शांति सब इतने अच्छे से सब लोग रह रहे हैं उनका पूरा भंग हो जाएगा अगर कंट्रीज के बीच में कुछ हो रहा है, तो उनके उसके लिए पब्लिक को कुछ उनका हानि हो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ और उसी के चलते हैंस एफर्ट्स टूवर्ड्स आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट्स ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी के चलते जो ये सारे जो आर्म्स थे, जो हथियार थे, ये सारे ये सब बंद हो गए, ये सब बंद हो गए क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ, उस पर कंट्रोल लाए उन्होंने उन्होंने और ऐसी सारी चीज़ों को हैपन होने से रोका। अब देखते क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते रीजनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह क्रिएट किया गया और क्यों क्रिएट किया गया। डेवलपिंग नेशन क्रिएटेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एज द रीजनल लेवल इन ऑर्डर टू एंश्योर म्यूचुअल कॉपरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सुपर पावर राइवलरी। अब जो क्रिएशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी हर एक रीजन में, हर एक कंट्रीज में, हर एक रीजन में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता था ताकि जो कुछ उनकी समस्या है हो तो वहाँ पर आकर कह सके, उसको डेवलप करने के लिए एक रीजनल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पब्लिक को कुछ उनका कुछ सही अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका कुछ हक नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो गवर्नमेंट को सुनाई दे और वो वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स लाए। ऐसा हर जगह ऐसा हुआ करता था हर एक कंट्रीज में। दे फेल्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। उन्हें लगा कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्म द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो सब मिलकर कौन सी कम्युनिटी इस्टेब्लिश किया, इकोनॉमिक कंट्री। वाइल द साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, उन्होंने इकोनॉमिक कंट्रीज बनाया, और जो साउथ के जो थे एशियन कंट्रीज उन्होंने बना, जो साउथ में कौन कौन से कंट्रीज थे, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एसेट्रा, इस्टेब्लिश द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इन जो मतलब यहाँ पे लिखा यूरोपियन कंट्रीज केम टू, जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो मिलजुल कर अपना इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया, और जो एशिया, जो साउथ एशियन वाले थे, जो साउथ एशिया वाले थे, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसके चलते वो अपना अपना जो रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर प्रोवाइड किया करते थे ताकि उस जगह पे डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हो। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया, क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन अलाइनमेंट। अब देखते हैं नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या होता है। इन द पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, वाइल द वर्ल्ड वॉस बिकमिंग बाइपोलर। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अमेरिका और जो सोवियत यूनियन, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। देयर वर सम कंट्रीज विच डिड नॉट जॉइन वॉन्ट टू जॉइन द सुपर पावर रिवाइवरी। अब जो उसमें से कुछ कंट्रीज मैंने आपको बताया था, कुछ कंट्रीज जो थे वो उसमें ज्वाइन होना नहीं चाहते थे, उसमें ज्वाइन होना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम उस उधर ज्वाइन होंगे तो हमारे जो पीपल्स हैं उनको कुछ हानि होगी, उनका प्रॉफिट प्रॉपर्टी जो उनके लाइफ से वो लॉस होंगे। सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर रिवर। अब इन जो नेशन थे जो अलग थे किनसे, जो बाइपोलर जो दो टीम बने थे उनमें से, ये जो दो मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, जो सोवियत यूनियन और अमेरिका, तो इन दो पार्ट में इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हम ना उस साइड जाएंगे ना उस साइड जाएंगे, तो ये इन्होंने सोचा कि अगर हम उस साइड जाएंगे तो हमें हानि होगी,
और इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम स्टे रहेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। हम उसमें कुछ अपना कुछ उसमें देंगे ही नहीं, हम ना उनसे कुछ देंगे ना उनसे कुछ लेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट, और इसी पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है। किस पॉलिसी को? जिसमें कि जो पीपल्स थे, जो कंट्रीज थे, जो कोल्ड वॉर में शामिल नहीं हुए थे, बायपोलर में शामिल नहीं हुए थे, और उन्होंने स्टे होकर अपना दिमाग लगाकर, ना कि कुछ झगड़ा लड़ाई करने के बावजूद, उन्होंने शांति से कुछ हल किया, और उसको ही कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग अ कोल्ड वॉर, और जो नॉन अलाइनमेंट था वो कोल्ड वॉर के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि इन लोगों ने समझदारी दिखाई। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अभी देखा नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, अब देखेंगे उसका मूवमेंट किस तरह हुआ, उस आंदोलन किस तरह हुआ। द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज विच बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें जो द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो थे, विच बिकेम इंडिपेंडेंट, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जाहिर सी बात है सबको आज़ादी तो मिल ही गई होगी, सब अपना बदला तो ले ही लेंगे, सब कुछ कुछ ना कुछ खुशी तो मिली होगी उसमें मारपीट के। हाँ, तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सपोर्टेड द आई, और उस समय जब वो एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया, उन्होंने सोचा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम वो अब उन्हें भी लगा कि इतना बड़ा वॉर अगेन हमसे नहीं होना चाहिए, हम दोबारा ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा युद्ध नहीं करेंगे, और हम अब उन्होंने सोचा जो एशियन और अफ्रीकन थे, उन्होंने सोचा कि अगली बार हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, उसी तरह हम भी नहीं हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि नॉन अलाइनमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा था उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ, ना उनका कुछ प्रॉपर्टी गया, ना उनका कुछ लाइफ्स का लॉस हुआ, ना कुछ उनका इकोनॉमिक का लॉस हुआ। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये कब स्टार्ट हुआ, 1961 में। उस समय इंडिया के लीडरशिप में कौन थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एशियन में, फिलहाल हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में इन सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे, क्योंकि इन्हें लगा कि एशिया एक बड़ा स्टेट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें इतना सारा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इतना सारा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया। और नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करने के लिए खाली इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे एशिया के जो कंट्रीज थे उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हमें सपोर्ट करे, तभी तो हम एक नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर खुद स्टे और सेफ रह पाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमल अब्दुल नासिर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाना डॉक्टर क्वामे निकुमा। ये लोग भी सब मिलकर ये सोचा करते थे कि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, और अगर इतने सारे जो कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, जब इनकी मान्यता है तो जाहिर सी बात है पब्लिक की भी मान्यता होगी कि हम उस वर्ल्ड वॉर में दोबारा पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें सेफ रहना था, क्योंकि जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज जिन्होंने पहले पार्ट लिया था, इन्हें रियलाइज़ हो गया कि बहुत सारे प्रॉफिट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम दोबारा नहीं जाएंगे, और जो ये नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब उस समय क्या क्या हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौरान, क्या क्या और चीज़ें आई, कुछ जाहिर सी बात है कुछ और भी कुछ सारी चर्चा हुई होंगी। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ अपोज कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म। अब जो इनका नॉन अलाइनमेंट का जो मानना था कि मतलब कोई भी कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म यानी कोई भी कंट्रीज हम पर आकर आक्रमण नहीं कर सकती, हम किसी कंट्रीज के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, ना वो हमसे कुछ रखेंगी, ना हम उनसे कुछ
ऐसा व्यवहार रखेंगे। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो जिनका दुश्मनी बहुत ही गहरा होता है, मतलब वो ऐसे रिश्ते रखते हैं कि वो दुश्मनी पे आ जाते हैं, मतलब बहुत ही वो समझते हैं ना, उनको वॉर करने का प्लान पहले से बना के रखते हैं कि हम उस कंट्रीज से पहले अच्छे से बात करेंगे, फिर बाद में उन्हें अपने झांसे में फंसा कर उन पर एक साथ आक्रमण कर देंगे। ऐसा कुछ होता रहता है, इसीलिए एक कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म इसको फॉलो किया जाता है, ताकि हम ना वो हम पर वॉर करें ना हम उन पर वॉर करें, खाली हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए। इट हैज़ इंकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। उनका मानना था कि जो अगर हमारे बीच कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो युद्ध में नहीं बल्कि हम शांति से बात कर भी उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। इंडिया लेड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया ने इस मूवमेंट को कब मतलब किसके अंडर करवाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर। इंडिया कंटिन्यूड द एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट आफ्टरवर्ड एज वेल। अब जब इवन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द importance of the movement has not reduced। पर फिर भी जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया या फिर एक कोल्ड वॉर जब वहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब पहले सीतू दुआ करता था, मैंने बोला आपको बताया था ना वो अपना डेवलपमेंट करेगा, वो अपना डेवलपमेंट करेगा, इसे एक दूसरे को जलाने का काम करते, उसको कोल्ड वॉर कहा जाता था। तो उसको ख़त्म होने के बाद भी जो इंडिया ने जो थे उन्होंने एकदम शांति से सबसे बात किया, ना कि किसी लड़ाई झगड़ा किया। सबसे वो सब ख़त्म होने के बावजूद जो कोल्ड वॉर था वो सब ख़त्म हो गया, फिर भी उसके बावजूद भी सबसे एक अच्छा रिलेशनशिप रखा, ना कि उन्होंने रिड्यूस किया किसको, मूवमेंट को, मतलब जो इम्पोर्टेंस जो थे, इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज बेस्ड ऑन एन एटर्नल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म, ग्लोबल पीस एंड इक्वलिटी। अब जो नॉन अलाइनमेंट था उसके अंडर सब एक इक्वल रहे, सब एकदम पीस में सब काम हो, सारी चीज़ें शांति से हो, सबके अंदर ह्यूमनिज्म यानी सबके अंदर इंसानियत रहे, तभी वो जाकर एक नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर पाएंगे। अगर उनके अंदर गुस्सा रहेगा तो वो जाकर सीधा भिड़ जाएंगे दूसरे कंट्री से, सीधा जाकर लड़ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमनिज्म नहीं रहेगा, इक्वलिटी नहीं रहेगी, उनके अंदर पीसेबली भी नहीं रहेगी। इट हैज़ इंस्पायर्ड दैट द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर। अब जो इनका इंडिया का एशिया का ऐसा मानना था कि वो जो छोटे मोटे कंट्रीज जो है हमारे अंडर या फिर हमारे बाहर भी हैं, तो हम उनको समझाएं कि उनको इंस्पायर करेंगे, ना कि वो अगर छोटे मोटे कंट्रीज है तो वो अगर सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका के साइड हो जाएंगे, तो अगर अमेरिका और सोवियत यूनियन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है तो उनके कुछ जो लाइफ से जो कुछ प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो उन्हें इंस्पायर किया करते थे कि आप नॉन अलाइनमेंट में आ जाओ, ना कि किसी से जाकर लड़ाई झगड़ा करो, वो भी बेवजह। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका लड़ रही है तो हमें उसमें जाने की क्या ज़रूरत है, अगर हम उसमें जाएंगे तो हमारी हानि होगी, कुछ हमारा लाभ नहीं होगा। इट हैज़ एनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल disputes by peaceful means while taking a firm stand on disarmament for fostering human rights। non-aligned movement put forth the problems of poor undeveloped countries firmly। this movement made a demand of new international economic order। यानी कि जो इनका मानना था कि जो अगर हम कुछ चर्चा करें उसको, ना कि एक लड़ाई झगड़े बल्कि उसको पीसफुली उसको उस डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए, वाइल टेकिंग फर्म स्टैंड ऑफ डिसआर्ममेंट्स फॉस्टरिंग ह्यूमन राइट्स। अगर हथियारों का यूज़ करेंगे, जो आर्ममेंट्स है उसको अगर यूज़ करेंगे तो ह्यूमन राइट्स का कुछ उल्लंघन होगा, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। The non-aligned movement put forth the problems of poor। अब जो non-alignment movement था वो poor के लिए बहुत ही problem बन गया था। किस तरह वो, क्योंकि वो undeveloped countries था, उधर लोगों का ध्यान उतना नहीं जाता था, इसलिए वो थोड़ा undeveloped ही रहा करता था।
समराइजिंग ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ, अब समराइजिंग ब्रीफली यानी उसको मतलब छोटे में, उसको मतलब समरी बोलते हैं, समरी उसको मतलब छोटे ब्रीफली को समरी में समझने की कोशिश करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस इवन इफ द कोल्ड वॉर इज ओवर, जब कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया फिर भी नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते गए, ताकि वो अगर कुछ छोटे मोटे कंट्रीज है वो अगर किसी के बहकावे में आकर दूसरे कंट्रीज में ना चले जाएं। इट इंस्पायर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर, अब इनका जो नॉन अलाइनमेंट में, जो नॉन अलाइनमेंट कहाँ पर फॉलो होता, खाली एशिया में फॉलो हुआ था, क्योंकि जो मंत्रीज थे वो कहाँ के मंत्रीज थे, खाली एशिया की जो कुछ जो मंत्री थे, इसलिए हमें ये उससे पता चलता है खाली एशिया में फॉलो हुआ था क्या, नॉन अलाइनमेंट, और उसके चलते जो बहुत सारे कंट्रीज इंस्पायर हुए और वो हमारे साथ अपने कंट्रीज को भी डेवलप करते, हमारे साथ टुगेदर हो गए, यानी कम टुगेदर। इट ब्रॉट सेवरल न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इनटू इंटरनल पॉलिटिक्स, और उसी के चलते अगर वो हमारे साथ आ गए थे तो उनके अंदर भी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हुआ था, सोशल चेंजेस हुआ था, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसमें भी मतलब उनका कुछ एक महत्व बन गया था, उनका भी एक महत्व बन गया था। इट गेव दिस कंट्रीज द कॉन्फिडेंस टू एसेट देमसेल्फ, अब उस हमारे जो इंडिया ने, जो एशिया थे, उन्होंने उन कंट्रीज को भी, जो छोटे मोटे कंट्रीज, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्हें भी बताया कि आप भी एक कंट्री हो, ये आपको भी आपके अंदर भी ये रूल और रेगुलेशन है, आपको भी हक है कि आप अपने कंट्रीज को एक उच्च स्तर पर लेकर जाए, आप भी एक मतलब अपने आप, आपके मतलब हम आप पे कोई रूल नहीं कर सकते, हम आप पे रूल नहीं कर सकते, आपका कंट्री है, आपको देखना चाहिए, और उसी के चलते उन्हें उससे सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड हुआ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो अपने कंट्रीज को और डेवलप के रास्ते पे लेके जा रहे थे, किसके अंदर, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब देखिए एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अभी वो देखते हैं। द कोल्ड वॉर डैट हैड डोमिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945 केम टू एंड, जब 1945 तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा, उसके बाद थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा छूट आया उसमें, कोल्ड वॉर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, दूसरे कंट्रीज जो अभी भी हम देखते हैं कि अमेरिका और जो चाइना है, जो रशिया, इसमें भी थोड़ा थोड़ा भी जेलेसी, भी कोल्ड वॉर थोड़ा चल रहा है, पर हमारे इंडिया से किसी के साथ उतना कोल्ड वॉर नहीं है, मतलब अभी थोड़ा कम हो गया है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, अभी लास्ट सेंचुरी में ही इसको, मतलब अभी हम 20 में ही, मतलब लास्ट सेंचुरी में ही इस कोल्ड वॉर को ख़त्म किया गया था, मतलब उतना भी नहीं, थोड़ा ख़त्म हो गया था, मतलब थोड़ा, मतलब समझ लो 100% में से अभी बचा है खाली 5%, खाली 5% बचा है, बाकी 95% ख़त्म हो गया है। There were many reasons for the end of the Cold War as given. अब ये आपको लग रहा होगा कि कोल्ड वॉर इतना सारा जेलेसी चल रहा था, सबके अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अभी ख़त्म कैसे हो गया, अभी उस कुछ पॉइंट्स दिए उसमें हम देखते हैं। The Soviet Union adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its control of the economy. यानी कि जो सोवियत यूनियन थी, वो सोवियत यूनियन क्या थी, एक बाइपोलर थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। अब जब सोवियत यूनियन जो थी, जो सोवियत यूनियन थी, इसमें मतलब जो एक सोवियत यूनियन जो थी, ये मतलब अपने अंदर थोड़ा खुला रख दिया, मतलब सबके लिए ट्रेडिंग सिस्टम, मार्केटिंग और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी, इसने पूरा ओपन कर दिया, जिसके चलते सारे कंट्रीज ने इसका लाभ उठाना चाहा, क्योंकि सोवियत यूनियन भी डेवलप था, हमने पढ़ा एक डेवलप कंट्री था, पर अमेरिका के इतने नहीं था, पर भी फिर भी डेवलप था, तो उसका लाभ उठाते सब ने उनके साथ मार्केटिंग की, ट्रेड की, जिसके चलते थोड़ा जो सबके अंदर जो जेलेसी की भावना थी, अगर वो हम उनके साथ पास जा रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो इससे उनके अंदर दोस्ती बढ़ती है, ना कि दुश्मनी, इसके चलते थोड़ा कोल्ड वॉर और भी कम हो गया था। देन प्रेजिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, अब सोवियत यूनियन के प्रेजिडेंट कौन थे, मिखाइल गोरबाचेव इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ प्रेस्टोरिका, जो उन्होंने मतलब एक पॉलिसी को एक इम्प्लीमेंट किया, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ओपन किया, थोड़ा ओपन कर दिया था ट्रेडिंग सिस्टम दूसरों के लिए, और ये प्रेसिडेंट चाहते थे कि ऐसा
नहीं होना चाहिए, हम एक डेवलप है तो हम किसी के साथ कुछ शेयर करें, ऐसा इसे इन्हें लगता था। ड्यू टू दिस पॉलिसी इज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस, और इसी के चलते जो मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल था वो भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि पहले चर्चा हुआ करता था सोवियत यूनियन ने ऐसा किया, सोवियत यूनियन ने ऐसा किया, अब वो भी जो मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल मतलब मीडिया इतना सारा खबर पूरे वर्ल्ड में डाल रही थी, अब उसमें भी कंट्रोल आ गया और उनके खिलाफ कुछ अच्छी खबरें भी जाने लगी इंडिया में। इम्पॉर्टेंट चेंजेस टू प्लेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर, जो पॉलिटिकल चेंजेस भी और कहाँ पर आने लगे इकोनॉमिक स्फेयर में, मतलब इकोनॉमिक्स में भी कुछ अलग अलग जो पॉलिटिकल चेंजेस भी आने लगे, जिसके चलते और भी सारे डेवलपमेंट्स होने लगे। डैट इज स्फेयर वेर रिस्ट्रिक्टेड, और बहुत सारे जो नियम थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जैसे पहले जब कोल्ड वॉर चलता था तब उनके अंदर बहुत सारे नियम थे कि कोई हमारे अंदर नहीं आएगा, हम किसी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम किसी के साथ मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इनको हटा दिया गया और सब लोग मिलजुल कर थोड़ा मतलब इको फ्रेंडली रहने लगे। दिस गिव्स इम्पेटस टू डेमोक्रेसी, और इसके चलते उनके अंदर भी थोड़ा लोकतांत्रिक आने लगा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एज द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पाथ्स द रियल्स देयर चेंज, यानी कि जो हम पहले देखते सोवियत जो यूनियन थी वो मतलब किसको फॉलो किया करती थी, सोशलिज्म को, पर धीरे धीरे सोशलिज्म उन्हें लगा कि हम सोशलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए वो धीरे धीरे कर किसको अडॉप्ट करने लगे, किसको अडॉप्ट करने लगे, कैपिटलिस्ट को मतलब कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने लगे वो धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्हें लगा कि हम गवर्नमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते करते हुए वो अमेरिका के साथ हो गए, और जो अमेरिका को भी मतलब उन्हें उनको खुश रहने के लिए अमेरिका ने भी उनको भी अपने अंदर ले लिया, उन्होंने ये सोचा कि ये पहले हमारा अपोज करते थे अब हमारे साथ आ रहे, ऐसा उन्होंने सोचा है, उन्होंने उनको अपने अंदर ले लिया, और इसी के चलते उनके अंदर भी डेमोक्रेटिक आ गई, एक लोकतांत्रिक मिलजुल कर एकदम रहने लगे, जिसके चलते जो कैपिटलिज्म था वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, और वो आज भी हमारे इंडिया में दोनों चलता है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों चलता है। सोवियत यूनियन जो थी वो धीरे धीरे करके बहुत ही कम हो गई थी, सोवियत यूनियन धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी, और अमेरिका प्रोग्रेस के रास्ते पे चलती जा रही थी, अपनी गाड़ी चलती उसकी गाड़ी चलती ही रही थी, पर सोवियत यूनियन रुक गई थी। आई फोर्थ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड द सेवरल न्यू नेशंस वेयर क्रिएटेड आउट ऑफ इट, और जो रशिया वॉज अ बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन था उसमें रशिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री थी जिसमें कि बहुत सारे नेशंस आया करते थे, वेयर क्रिएटेड ऑफ मतलब जो सोवियत यूनियन थी उनमें बहुत सारे डिसइंटीग्रेटेड होने लगे, जिसके चलते जो वहाँ के पब्लिक थे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगे थे, जिसके चलते बहुत सारे कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के बाहर भी बनने लगे थे कि हमें सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहने का है, हमें कैपिटलिज्म को फॉलो करना है। अभी ये सब जो वॉयस अगेंस्ट द वर्ल्ड ये सब आपके लिए पढ़ने के लिए होता है, आप इसे पढ़िए और इसको समझकर इंटरनेट की सहायता से इसको पढ़िए, ना कि मतलब हमने तो आपको ये पढ़ाते हैं पर ये भी आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे समझें। अब इस समझ कर इसमें क्या लिखा मुझे कमेंट में बताइएगा। पोस्ट कोल्ड वॉर, अब देखते पोस्ट कोल्ड वॉर क्या था। द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन विच स्टिल देन हैड बीन अ सुपर पावर, एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टू प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमने जो पढ़ा द कोल्ड वॉर केम टू एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो धीरे धीरे करके टूट रहा था, उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जो सोवियत यूनियन जो था धीरे धीरे टूट कर वहाँ की जो सोशलिज्म के जो लोग थे वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगे, क्योंकि वो उनका मतलब हक था कि वो कौन से भी, जैसे कि इंडिया में हक है रिलीजन को कौन से फॉलो कर सकते हैं, कौन से भी कास्ट को, कौन से भी स्टेट को, कौन से भी लैंग्वेज को हम फॉलो कर सकते हैं, उसी तरह हर एक इंसान को हक होता है कि वो चाहे कैपिटलिज्म को फॉलो करे चाहे सोशलिज्म को, इसलिए जो सोवियत जो यूनियन था वो जो उनका सोशलिज्म छोड़ के
वो कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगे, विच टिल देन हैड बीन अ सुपर पावर। और जो सोवियत जो यूनियन था, बस उसका जो सुपर पावर था बस वहीं तक था, उसके आगे उसका कोई सुपर पावर आया ही नहीं, क्योंकि उस समय पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था पूरा उनका जो कंट्री, मतलब जो बहुत सारे कंट्रीज सोशलिज्म को फॉलो किया करते थे वो भी धीरे धीरे कर हट गए, वो किसके तरफ आ गए, अमेरिका के साइड में आ गए। एज ए रिजल्ट मेजर चेंजेस टू प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसीलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे मेजर चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका रिमेन्ड ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि उस समय जब सोवियत यूनियन धीरे धीरे करके टूट गया, उसका सोशलिज्म खत्म हो गया, तो कैपिटलिज्म को सब फॉलो करने लगे, उसी के चलते जो अमेरिका था वो क्या सबको सबके साथ रहने लगा, सब कैपिटलिज्म को फॉलो किया करते थे। आज हम इंडिया में भी सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों ही फॉलो करते हैं, पर अमेरिका जब सब खत्म हो गया तो अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा था जो एक सुपर पावर था, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन, बहुत सारे डिस्टिंग्विश वेपन थे, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे, जिनके जरिए वो दूसरे कंट्रीज को अपने आधीन लाते थे। आज भी हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है बहुत ही डेवलप है, जितना कि इंडिया भी नहीं है, पर फिर भी जो इंडिया है वो डेवलपिंग के रास्ते पे चल रहा है धीरे धीरे कर, वो भी एक ना एक दिन हो जाएगा, एक ना एक दिन नहीं 2025 तक तो हो ही जाएगा। A conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economic relation between the and among nations. यानी कि सबके बीच में एक conducive atmosphere आ गया। Conducive atmosphere यानी शुद्ध वातावरण, हम एक दूसरे को प्यार देने लगे, वो हमें प्यार देने लगे, हम उनके साथ relation बनाने लगे, वो हमारे साथ relation बनाने लगे, मतलब मिलजुल कर भाईचारे से लोकतांत्रिक के तरीके से हम एक दूसरे नेशन को माना जाना करते थे। और इसी तरह दूसरों के जो उनका ट्रेडिंग सिस्टम था, उनका जो इकोनॉमिक हमारे देश से ट्रेड उनके पास जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बनने लगा, जिसके चलते उनके बीच में रिलेशनशिप आ गया, किनके बीच में, हमारे इंडिया के बीच में और भी बहुत सारे कंट्रीज जो है उनके बीच में। कैपिटल लेबर मार्केट एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कैपिटल था, जो लेबर थे, जो मार्केट थे, ये सारी चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ये इंडिया से बाहर गए, बाहर से इंडिया में आई, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पूरा सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आइडिया स्प्रेडली फ्रीली एज वेल, जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनके जो अगर इंडिया में समझो एक कोई न्यूक्लियर वेपन बना, तो वो खाली इंडिया में नहीं, वो हमारे जो इंडिया है वो दूसरों को भी बताएंगे कि ऐसा नहीं, इसको इस तरह बनाया जाता है, मतलब फ्रीली एकदम उनके आइडियाज़ को फ्रीली स्प्रेड किया जाता था, आज भी किया जाता है। एज ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशन, यानी कि सभी कंट्रीज ने मिलकर ये सोचा कि हमें एक ट्रेड रिलेशन को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में इतनी सारी खेती होती है, कुछ खेती जो होती है वो खाली इंडिया में ही होती है, जैसे बहुत सारी खेती जो खाली इंडिया में होती है वो बाहर के देशों में नहीं होती, और जो बाहर के देशों में वो खेती जो चीज़ उगते हैं वो इंडिया में नहीं उगते, इसलिए ट्रेडिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर आती हैं और हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ उनके पास भी जाती हैं। आइडियाज़ ऑफ गिविंग एड टू द अदर नेशन फेल बिहाइंड, इंस्टेड एफर्ट्स बिगेन टू बी मेड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि बहुत एफर्ट लगा था, बहुत ही सबको कॉपरेट करना पड़ा था उस समय, ताकि इंडिया में और बाकी देशों में एक पीसफुल, एक मतलब एक शांति का वातावरण लाने के बहुत सारा एफर्ट्स लगा था उस समय। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंट्री विच वॉज अपोज टू अनदर हैज़ नाउ चेंज फ्रॉम एनिमी नेशन टू राइवल नेशन, यानी कि जब उस समय एनिमी नेशन हुआ करता था, आज वो राइवल नेशन बन चुका है, एक लोकतांत्रिक एक समझदार नेशन बन चुका है, ना कि वो एक एनिमी नेशन। एनिमी नेशन यानी झगड़ा लड़ाई ना कर समझदारी से काम लेना। अब हमारा कितने पॉइंट्स पढ़े हमने, एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स, अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ इंक्रीज, जो यूनाइटेड नेशन यानी कि जो एक डेवलप नेशन है उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, USA बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसा
वो मतलब उनके जो यूनाइटेड नेशन है इंक्रीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? द यूनाइटेड नेशन नाउ हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। उनकी मतलब जो बड़े नेशंस थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज थी, उनको उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है कि वो किसी भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को किसी भी जगह पे ना यूज़ करें, और वो दूसरों को भी अपने साथ में लेकर जो ग्लोबल जो पीस को बनाए रखें, अपने जो वेपन्स थे उनका सहारा ना कि किसी को मारने के लिए, बल्कि अपने देश को किसी आतंकवादी से, किसी बुरे इंसान से संभाला जा सके उसके लिए यूज करें। जैसे अभी एक बंदूक है जिससे मतलब बहुत 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 बड़ा बंदूक है और उससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। अभी वो हम किसी के ऊपर वॉर करेंगे, किसी नेक इंसान के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर वॉर करेंगे, ये नहीं सही रहेगा। बल्कि हम उसका उपयोग किसी को बचाने के लिए, किसी के अच्छे कार्य के लिए भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन fostering of human rights, gender equality and management of natural calamities now acquire a global dimension। यानी कि उस समय जो environmental protection की भी बहुत बचाया जाता था, बहुत सारे trees लगाए जाते थे, rainfall अगर हो रहा है तो उस rainfall को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, बारिश कहाँ पर होनी चाहिए कहाँ पर नहीं होनी चाहिए इसको भी बहुत maintain किया जाता था। बहुत सारे trees लगा कर बहुत सारे सब water की supply देने लगे, electricity के supply होने लगे, जिसके चलते बहुत ही एक कंडक्टिव एटमोसफियर आ गया और ह्यूमंस को उनके राइट्स मिलने लगे। जेंडर का इक्वलिटी नहीं कर किया जाता था कि महिला को कम पैसे मिलेगा अगर महिला और जो पुरुष है वो दोनों एक ही काम करते हैं, उनके पास डिग्री एक है, वो काम भी एक करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि महिला को कम पैसा दिया जाता है और पुरुष को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। पहले ऐसा हुआ करता था कई कई जगहों पर उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी, उस पर पाबंदी लगा दी क्योंकि महिला पुरुष के नाम पे उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए, उनको उनके काम के ऊपर पैसे मिलने चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटिस, नेचुरल क्लाइमेटिस यानी जैसे फ्लड्स आ गया, किसी भूकंप आ गया या फिर कोई भी एक क्लाइमेटिस जो समझ लो फेमाइन आ गया, कुछ दरार पड़ रहे हमारे इंडिया, मतलब कुछ भूकंप आ गया, क्रैक आ गया, वॉल्केनो इरप्ट, ये सारे नेचुरल क्लाइमेटिस है, ये हमने इरप्ट करते हैं, नेचुरल क्लाइमेटिस है, नेचुरली आते हैं। एक्वायर्ड अ ग्लोबल डायमेंशन, और इसी के चलते जो ग्लोबल डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। अभी देखते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। यानी कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद जो सबके अंदर जो जो ट्रेड और इकोनॉमिक ये सारी चीज़ें कंट्रीज़ के बीच में बढ़ने लगी, खुद का उनके पास ज़्यादा था, उनका खुद के पास आता था, उसके चलते उनका जो था रिलेशन वो भी बढ़ते गया। As been mentioned before, capital, labor, markets and information began circulating globally। और ये सारी चीज़ें जो उनके information थे, technologies थे, markets थे, ये सारी चीज़ें पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में circulated होने लगे globally। The give and take of ideas among people all over the world grew। और जो आइडिया देते थे लेते थे हमारे इंसानों के बीच में, जो आइडिया दिया जाता था, आइडिया लिया जाता था, वो बहुत ही बढ़ने लगा, ग्रो होने लगा। ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट बिगेन टू नोन एवरीवेयर। और जब जब जो रिवोल्यूशन बढ़ता था, टेक्नोलॉजी आती थी, इवेंट्स इरप्ट हुआ करते थे, उसके चलते ये खाली उसी देश में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट किया जाता था। ये खाली अगर किसी को प्रॉफिट हुआ तो वो खुद के ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर किया करते थे। द बाउंड्रीज बिटवीन नेशन डिड नॉट रिमेन एज कैरोस्कैंट एज दे वेर बिफोर, ऑल द प्रोसेस आर टुगेदर फॉर ग्लोबलाइजेशन। और इसी के चलते जो नेशन के जो बाउंड्रीज थे, मतलब किसी भी नेशन में बाउंड्रीज थे, वो मतलब पहले के ऐसा होता था हमारे नेशन में मत आओ, हमारे नेशन में मत आओ, ऐसा हुआ करता था, पर उसके बाद सारी चीज़ें ओपन हो गई। जैसे आगे लिखा ना, रिलेशन बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन, उसी तरह जो उनके कंट्रीज़ के बाउंड्रीज थे वो भी ओपन हो गए, वो वहाँ पे जाते थे, वो वहाँ पे आते थे, ऐसा करके पूरा ओपन हो गया, पूरा ग्लोबलाइजेशन। उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, जो कि मतलब सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को अगर हम शेयर करते हैं, वो उनका जो ह्यूमंस को उनके आइडियाज़ को शेयर करते हैं और एक डेमोक्रेसी वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है।
जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अस बेनिफिट, और इसी तरह जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे अंदर एकता ही नहीं बल्कि हमारे लिए कुछ सुधार लेके आई, कुछ एडवांटेजेस भी लेके आई, उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं था। पर उसमें फिर भी कुछ जो उनके लॉस भी हुआ करते थे, एज द इकोनॉमिक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक विद ईच अदर एज इट हैज़ ऑल्सो कॉस्ट लॉसेज, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का कुछ कुछ कहीं कहीं लॉसेस भी हुआ करता था, कहीं कहीं बेनिफिट्स भी हुआ करता था। फॉर एग्जांपल एज द इकोनॉमिक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक विद ईच अदर ट्रेड इंक्रीज इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रो प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट बिकम अवेलेबल इन द मार्केट बट एट द सेम टाइम द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच नेशन डिड नॉट रिड्यूस। और जब ट्रेड बढ़ता गया, मार्केट्स बढ़ती गई, सबके अंदर एक उनका ट्रेडिंग जो था वो एक दूसरे के अंदर प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट उपलब्ध होने लगे एक दूसरे कंट्रीज में, पर उसी की तरह जो छोटे मोटे कंट्रीज थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जब पहले जवाहरलाल नेहरू थे तो सोचा करते थे, पर उसके बाद जो बहुत सारे प्रधानमंत्री बने वो उतना सोचा नहीं करते थे उनके बारे में। और इसी तरह जो पुअर कंट्री पुअर ही रह गई, रिच कंट्री रिच हो गई। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रॉम 1945 onwards। और इस चैप्टर में हमने 1945 onwards से देखा कि क्या कौन कौन से चेंजेस आए, उसके पीछे कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से वॉर हुए, कौन कौन से कोल्ड वॉर हुए, ये सारी चीज़ें हमने देखा। वी अंडरस्टूड द वर्ल्ड इन द कोल्ड वॉर पीरियड, हमने वर्ल्ड को पहचाना कि वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, कौन कौन से खतरनाक वेपन्स बनाए गए थे, कौन कौन से चीज़ों का उपलब्ध उपयोग किया गया था उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हमने अपने इतिहास को समझा। द आर्म्स रेस एंड द एफर्ट्स एज डिसआर्मेंट्स, ये हमने भी देखा आर्म्स रेस क्या होता था। आर्म्स रेस आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा ही है। आर्म्स रेस मतलब जो हथियारों का उपयोग किया जाता था, बड़े कंट्रीज छोटे कंट्रीज पे हथियार चलाया करते थे, जिसके चलते जो वो ज़्यादा अपनी मेजोरिटी ज़्यादा विन किया करते थे, क्योंकि छोटे मोटे कंट्रीज के पास उतना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं था, इसलिए बड़े कंट्रीज सोचा करते थे कि हम इनको अपने अधीन ले लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग भी समझा, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया ग्लोबलाइजेशन का। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अब अगले चैप्टर में हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे, उसमें क्या क्या हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में अक्सर ये होता है कि फॉरेन की पॉलिसी हमारे अंदर आती है और हम उसका उपयोग करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, उसके उसी वही रहता है फॉरेन पॉलिसी। और भी कुछ उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो टू आवर चैनल। इफ़ एनी डाउट वॉज देयर देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।